नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेनिक मुजफ्फरनगर से आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज के सेशन में हम नेट्स की पे चर्चा करेंगे कि आपको नेट्स के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है पिछले तीन सेशन में हमने ये जाना कि पहले सेशन में हमने अगर आपने पिछले सेशन नहीं देखे तो आपसे निवेदन है नेट्स के सेशन वन सेशन टू और सेशन थ्री इससे पहले हमने पब्लिश किए हैं जिसमें पहले सेशन में हमने के बारे में बताया कि नेट्स क्या है दूसरे सेशन में हमने ये बताया कि स्टूडेंट्स के लिए नेट में क्या फायदे हैं और तीसरे सेशन में हमने ये बताया कि नेट से स्टूडेंट्स को जुड़ने पर इंडस्ट्रीज को और इंस्टीट्यूट को क्या फायदा है वो सारा हमने चर्चा की है जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल बेलाइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें और चैनल से संबंधित समस्त नवीनतम जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो आज के सेशन में हम बात करेंगे हाउ टू रजिस्टर ऑन नेट्स वेब पोर्टल आप नेट्स के वेब पोर्टल पर जो कि नेशनल अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग स्कीम के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है जैसा कि हमने बताया था जो कि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसिप एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेशन से इसको रन किया जा रहा है तो इसमें आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है क्योंकि जब तक आप नेट्स पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे डीआरडीओ की वैकेंसी समय आई हुई है डीआरडीओ में भी अगर आपको काम करने का अवसर चाहिए तो आ, कैसे आप उसमें कर पाएंगे उसके लिए भी हमने एक वीडियो पब्लिश किया हुआ है डीआरडीओ पे आप उसको जरूर देखें और उसमें आपको नेट्स के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी प्रक्रिया और एक बार बता दें जिससे कोई गलती की गुंजाइश ना हो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू रजिस्टर ऑन नेट्स वेब पोर्टल हम लाइव ट्राई करेंगे क्या गलतियां क्या दिक्कतें आती हैं वो भी जो कुछ भी आएंगी वो आपके सामने आएंगी क्योंकि मैं भी इसे पहली बार ही आपके लिए कर रहा हूं उसी तरह से जैसे आप नए टाइम पे करेंगे तो जो गलतियां होंगी वो आपको ठीक से पता लग पाएंगी तो सबसे पहले तो नेट्स वेब पोर्टल का जो लिंक है वो है पोर्टल डॉट इस लिंक को या इस वेब लिंक को आप जैसे ही अपने ब्राउजर पर टाइप करेंगे तो आप नेट्स के पोर्टल पर पहुंच जाएंगे देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया

हम एक स्टूडेंट हमारे पास है हम उसी का एनरोलमेंट कर रहे हैं उसके साथ उसकी कंसर्न से उसकी मर्जी से तो देखिए सबसे पहले आपका जब हमने एनरोल पे क्लिक किया तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन खुल के आया जिसमें देखें सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक पहले स्टेप में आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए योग्य हैं कि नहीं है दूसरा क्वेश्चनियर क्वेश्चनियर एंड गाइडलाइंस हैं जब पहला स्टेप आप कंप्लीट कर लेंगे जब दूसरे पे पहुंचेंगे तीसरा में आपका एनरोलमेंट फॉर्म आएगा और चौथे में आपका प्रीव्यू आएगा जो भी आप सबमिट करेंगे उसको दिखाएगा आपको कोई गलती तो नहीं है और अगर आप सब कुछ सही होगा तो उसे कंफर्म कर देंगे तो आइए हम सबसे पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पूछा है वेलकम टू दी नेट्स पोर्टल एनरोलमेंट प्रोसेस प्लीज आंसर दी ब्लॉक क्वेश्चन टू क्विकली चेक योर एलिजिबिलिटी आई एम आप देखिए यहां क्लिक करेंगे आप तो स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूट एंड स्टैब्लिशमेंट यानी कि इस पे एनरोलमेंट कोई भी कर सकता है छात्र छात्रा कर सकते हैं कोई संस्था कर सकती है इंस्टीट्यूट कर सकती है कोई भी इंडस्ट्री कोई ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं तो जैसे हम एक स्टूडेंट की तरह इसमें कर रहे हैं जो स्टूडेंट की कंसर्न से हम कर रहे हैं तो आई एम आ स्टूडेंट हमने सबसे पहले ये दिया है इसमें पहला ऑप्शन तो देखिए इसने इसको प्रोसेस किया उसके बाद क्या आ रहा है आय देन आप क्लिक करेंगे इस पर देखने क्या ऑप्शन आएगा अ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ देखिए परमानेंट रेजिडेंस ऑफ किस प्रदेश में आप रहते हैं उसके रेजिडेंस है उसका आएगा आपका तो परमानेंट रेजिडेंस ऑफ जो भी है आपका वो आपको यहाँ पर डालना होगा तो इसमें हम देखें तो आ, क्योंकि ये स्टूडेंट जो है, वो उत्तर प्रदेश से है तो इसमें हम उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेंगे तो परमानेंट रेजिडेंस ऑफ उत्तर प्रदेश आई वुड लाइक टू एनरोल माई सेल्फ इन दी है कंप्लीटेड एंड आई एम डूइंग तो आप कंप्लीटेड कर चुके हैं यानी आपने डिप्लोमा को कंप्लीट कर लिया या बीटेक को कंप्लीट कर लिया तो हैव कंप्लीटेड और अगर आप कर रहे हैं तो आई एम डूइंग डूइंग अगर आप उस कोर्स को कर रहे हैं तो वाले में आएगा तो क्योंकि कंप्लीट कर कर चुके तो हमने इसको हैव कंप्लीटेड दिया और विदाउट बैकलॉग यानी कोई बैक नहीं है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग टेक फार्मा एच एम सी टी आर्किटेक्ट लाइब्रेरी साइंस इतने कोर्सेज में ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में फार्मेसी में एच एम सी टी में आर्किटेक्चर लाइब्रेरी साइंस ये लोग ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग तो जो स्टूडेंट डिप्लोमा का है तो हमने उसके डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया है ठीक है अब इन द ईयर किस ईयर में पास आउट हुए हैं ये इसमें पूछा जा रहा है तो जो स्टूडेंट है वो टू में पास आउट हुआ है तो टू आ गया और किस बेस में रेगुलर या पार्ट टाइम या डिस्टेंस तो हमारे यहाँ जो भी पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में या जो भी प्राइवेट से आप करें वो रेगुलर होता है तो रेगुलर आपने यहाँ फिल कर दिया है तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप यहां पर नो प्रेस कर देंगे तीसरा जो ऑप्शन आ रहा है डू यू एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ वन ईयर और मोर ईयर और मोर क्या आपके पास काम का कोई अनुभव है तो अगर वो क्योंकि आप अगर फ्रेशर हैं आपने अभी अभी डिप्लोमा किया है तो आप यहां पर नो प्रेस करेंगे और अगर आप पहले से कर चुके हैं कहीं काम एक साल दो साल का अनुभव है तो आप यहां पर यस करेंगे अब जरूरत हुआ है प्लीज एनश्योर दैट दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर दी पोर्टल क्या क्या होना चाहिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए वैलिड आपकी अपनी पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए जो वर्किंग हो आपका मोबाइल नंबर जिस पे कि आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा वो वाला मोबाइल नंबर होना चाहिए पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ फॉर्मेट ठीक है फोटोग्राफ जो आपका जेपीजी फॉर्मेट में जो दो, दो सौ केबी से कम का हो आधार सीडेड मैप्ड बैंक अकाउंट डिटेल्स आपका वो अकाउंट जो आधार कार्ड से लिंक है वो बैंक की डिटेल का चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री ठीक है यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर्मेट पीडीएफ साइज में एक एम से कम का पीडीएफ में आपका मार्कशीट या डिग्री का कॉपी चाहिए और फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्मेट पीडीएफ साइज लेस देन वन एम ठीक है तो बैंक की पासबुक का फर्स्ट पेज चाहिए ठीक है तो ये आप करेंगे और जैसे ये सब चीजें आपके पास हैं तो आप यहां से आई हैव एब ऑफ आप यहां से आगे बढ़ जाएंगे अब देखते हैं आगे वाले स्टेप में ये क्या करता है सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड प्राइमरी ई मेल आपका ई मेल मांग रहा है जिस पर ये आपको डिटेल्स भेजेगा तो यहां पर हम अपना एक ई मेल इस पर डाल देते हैं जो स्टूडेंट ने ईमेल आईडी हमको दिया है राजन वन फोर जीरो फोर टू ट्रिपल जीरो एट द रेट जी मेल डॉट कॉम यहां पर आप अपनी आईडी डाल देंगे एक बार जरूर चेक कर लेंगे आईडी में कोई गलती तो नहीं है आर ए जे ए एन वन फोर जीरो फोर टू ट्रिपल जीरो एट द रेट जी मेल डॉट कॉम और ये आप जैसे ही यहां पर डालेंगे और सेंड ओ टीपी पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी मेल आईडी पर आपको तो देखिए ये मेल आई डी यूजर एग्जिस्ट विद द गिवन ई मेल आई डी इसका मतलब यह कि ऑलरेडी यूजर पहले से ही रजिस्टर्ड है तो अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे और दोबारा उसी ईमेल आईडी से करेंगे तो एक ईमेल आईडी से दो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकते तो देखिए जैसे ही आपने ईमेल आईडी डालने के बाद नई पर सेंड ओटीपी किया ओटीपी के लिए आपने आपने ऑप्शन इन्होंने मांगा जैसे ही आपने OTP डाला तो इन्होंने दोबारा से मोबाइल नंबर आपसे मांगा है अब मोबाइल नंबर पर आप दोबारा से मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर दोबारा से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओ भेजेगा सेंड ओटीपी करेंगे तो देखिए उन्होंने यहां पर ओटीपी मांगा है तो हम ओटीपी चेक करते हैं मोबाइल नंबर पर ओ तो भी आ गया है देखिए मोबाइल में ओ टीपी है नाइन डबल सिक्स थ्री फाइव नाइन तो जैसे ही आपने यहाँ पर ईमेल आईडी डाला और सेंड ओटीपी कहा तो ये आपके मेल आईडी पर एक ओ भेजेगा जैसे ही आप ओ इसमें डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो ये दोबारा से मोबाइल नंबर मांगेगा जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे रीसेंड ओ करेंगे तो उस पर ओ भेजेगा सेंड ओ पर और ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका देखिए यहाँ से फॉर्म आगे गया सबसे पहले ये पूछा नेम ऑफ तो सबसे पहले हम स्टूडेंट का नेम डालेंगे यानी अपना नाम डालोगे आप पर पर एक यहां पर आपको पासवर्ड अपना बनाना पड़ेगा तो इसका हम एक बना लेते हैं यहां पर आधार कार्ड में जो आपका नाम है वही नाम आपको देखिए लिखा हुआ है एंटर योर नेम एज डिफरेंट इन आधार कार्ड आधार एंड योर सर्टिफिकेट डू गेट इट रिजोल्व बिफोर एनरोल यानी ये जब ही एनरोल हो पाएगा जब आपके आधार कार्ड में और आपके सर्टिफिकेट में दोनों में सेम नंबर होगा अब यहां पर हम आपका एक पासवर्ड दे देते हैं सेम यही यहां को यहां पर देना है देखिए एंटर पासवर्ड के लिए भी क्राइटेरिया दे रखा है एंटर पासवर्ड इन केस यू आर अनेबल टू कंप्लीट नाउ यू कैन लॉग इन यूजिंग दी एब ई मेल आई चलिए तो खैर सबसे पहले आप पासवर्ड देखिए क्या है आपका फोर्टीन जीरो टू एट कर बनाना है आपको देखिए मिनिमम एट करेक्टर का होना चाहिए तो राजन फोर्टीन जीरो टू एट द रेट आर ए जे ए एन तो ये देखिए यहां पर ये पासवर्ड आपका बन गया और पासवर्ड आप अपनी बनाने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये देखिए देखिए आप अब दूसरे स्टेप स्टेप पर आ गया सेकंड में क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर एनो दिया है Terms and condition. अगर ये सब चीजें आपके पास हैं इन्होंने सब लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट प्लीज एनस्योर फुलफिलमेंट ऑफ दी ऑल फॉलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फर्दर कंसिडरेशन

किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर डिप्लोमा मिला है, तो वो भी एलिजिबल है और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है कोई ऐसी इंस्टीट्यूट जो डिप्लोमा दे रही है और वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी से एनरोल्ड है वो भी एलिजिबल है तो ये सारी एलिजिबिलिटी का आइडिया नहीं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ठीक है सैंडविच कोर्स स्टूडेंट हु इज अंडर गोइंग ट्रेनिंग इन ऑर्डर दैट ही मे होल्ड अ डिप्लोमा मेंशन इन ए बी एंड सी ठीक है तो ये हो गया और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो भी यहाँ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर एनरोलमेंट नंबर एजुकेशन डी टी ठीक है लिस्ट ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट स्टडी ड्यूरिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ठीक है और डिटेल्स ऑफ एडिशनल शॉर्ट टर्म कैंडिडेट कोर्स कोई शॉर्ट टर्म कोर्स किया तो उसकी डिटेल ये सब चाहिए तो वो सब पढ़ने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे ये एग्री कर दिया हमने अब सबसे पहले इसने फोटोग्राफ मांगा यहां पर यहां से हम फोटोग्राफ आपके पास कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए आपके लैपटॉप में डेस्कटॉप में जहां से भी आप काम कर रहे हैं वहां पर होना चाहिए तो यहां से हम डॉक्यूमेंट डालेंगे फोटो अब हम स्टेप टू देखेंगे स्टेप वन में हमने देखा कि किस तरह से आपको स्टेप वन में इंफॉर्मेशन फिल करनी है उसमें आपने अपनी मेल ई मेल आई डी देने के बाद उसमें ओ टी पी आया ओ टी पी को आपने उसमें डाला देन आपने अपना मोबाइल नंबर दिया मोबाइल नंबर पर एक ओ टी पी आया तो उससे आपका एक वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद स्टेप टू जो आता है क्योंकि ये टोटल जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो चार स्टेप में है तो अब हम स्टेप टू देखेंगे स्टेप टू में आप देखें जैसे पहला वाला स्टेप था हमने एलिजिबिलिटी चेक एलिजिबिलिटी चेक में हमने ये सारी डिटेल भरी थी आई एम आई स्टूडेंट ठीक है इस तरह से और उसमें भी आपने अपना ईमेल आई और फोन के माध्यम से जो भी ओटीपी आया था उसके माध्यम से आपने उसको वेरीफाई किया था अब सेकेंड जो स्टेप उसके बाद आएगा वो आएगा क्वेश्चन एंड गाइडलाइन इसमें क्या क्या स्टेप आएंगे वो हम देखेंगे आपके वही प्रक्रिया जैसे आप करेंगे तो उसके अंदर क्या आएगा वही हम देखेंगे तो इसके अंदर जो अगला स्टेप आएगा कि सबसे पहले ये आपका यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए जैसे ही आप क्वेश्चन एंड गाइडलाइन वाले स्टेप में जाएंगे तो आपका ये लगभग क्योंकि एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर जो आपको जो है 25 परसेंट आपको दिखाएगा लगभग आपकी जो भी प्रोफाइल भरी गई है और सेकेंड स्टेप में सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में वो आपसे अपना फोटो अपलोड करने के लिए कहेगा गोपनीयता को बनाए रखने के लिए हमने यहाँ पर जो भी फोटो अपलोड किया उसको हमने हाइड कर दिया है यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड करेंगे फोटो अपलोड करने के बाद अगला जो स्टेप आएगा नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे फादर्स नेम मदर्स नेम डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है आप आसानी से इसे भर पाएंगे तो जैसे ही आप दूसरे स्टेप में जाएंगे तो दूसरे स्टेप में सबसे पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना है फिर आपको अपना नाम फादर्स नेम मदर्स नेम डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है उसके बाद जब डेट ऑफ बर्थ आधार नंबर देंगे नीचे आएगा जेंडर जेंडर में मेल फीमेल अदर्स जो भी आपका जेंडर है अगर आप स्टूडेंट छात्र हैं तो मेल भरेंगे छात्राएं तो फीमेल भरेंगे अपलोड आधार कार्ड यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर देंगे जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे ये आपसे एड्रेस मांगेगा उस फाइल का पहले से ही आप अपनी फाइल्स वगैरह बना के रखेंगे सबसे पहले वाले स्टेप में हमने बताया था कि कितने कितने के बी का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो आप कंपनी तैयार रखेंगे यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे उसके बाद वो आपसे कम्युनिटी पूछेगा कम्युनिटी में आप यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इसमें कम्युनिटी आपकी एस सी एस टी ओ बी सी जनरल सब कुछ आ जाएगी आप उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी में अगर हैं तो यस करेंगे नहीं तो नो करेंगे और पर्सन विद डिबिली अगर फिजिकली डिसेबल हैं से यानी दिव्यांग हैं तो आपको यस करना अदरवाइज नो करना है ठीक है और नीचे देखें फिर कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन मांगेगा यानी आपका परमानेंट एड्रेस कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन अंदर सबके अंदर सबसे पहले परमानेंट एड्रेस मांगेगा फिर प्रेजेंट एड्रेस तो परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले पिन कोड स्टेट और डिस्ट्रिक्ट स्टेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके स्टेट सारे आ जाएंगे उसमें से आपको सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है तो आप जैसे ही करेंगे वैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट से खुल जाएगा और देन नीचे तालुका आएगी तालुका आपको अपनी ब्लॉक करना है ब्लॉक या तहसील जो भी है वो सिलेक्ट करनी है विलेज करना है विलेज और लोकल्टी डोर एंड स्ट्रीट प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस की ही प्रेजेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे नहीं मांगेगा लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और कम्युनिकेशन तो फिल करेंगे तालुका वो सारे इन्फॉर्मेशन तो आप अपने एड्रेस से संबंधित डिटेल्स अपनी सारी भर देंगे देन उसके बाद अगला जो स्टेप आएगा बैंक इन्फॉर्मेशन पहले उसने आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ली बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद उसने आपसे आपका कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन लिया यानी आपके एड्रेस के बारे में बात पूछा उसके बाद वो बैंक की इन्फॉर्मेशन लेगा बैंक की इंफॉर्मेश बैंक का नाम जैसे अगर जिस बैंक में आपका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा पंजाब नेशनल बैंक जो भी हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे बैंक का नेम लिखेंगे सॉरी बैंक ब्रा, ब्रांच का नेम कौन सी ब्रांच में आपका अकाउंट है बैंक अकाउंट का नंबर क्या है और आई कोड ठीक है और बैंक अपलोड बैंक प्रूफ डॉक्यूमेंट यानी अपनी पासबुक की जो फर्स्ट पेज है उसकी फोटो कॉपी जरूर आपको अपने पास रखनी है उस फोटो कॉपी को आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे ठीक है इतना करने के बाद जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो अगला जो स्टेप आएगा आपके पास वो क्या आएगा स्टेप थ्री। स्टेप टू आपका कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही आप अपलोड करके आगे बढ़ेंगे तो ये स्टेप टू को कंप्लीट करके ये स्टेप थ्री पर पहुंचाएगा स्टेप थ्री क्या है आपका स्टेप थ्री में देखिए एनरोलमेंट फॉर्म है यहां पर आपका क्वेश्चन एंड गाइडलाइन वाला फॉर्म कंप्लीट हो गया ग्रीन हो गया देखो वन भी ग्रीन है टू भी ग्रीन है और आपकी जो कंप्लीट प्रोफाइल है वो लगभग पचास परसेंट कम्पलीट हो गई है तो दो अभी आपके और स्टेप रह गए हैं हैं तो अब हम तीसरे पर हैं। तीसरे स्टेप स्टेप पर में सबसे पहले आपको क्या है एनरोलमेंट फॉर्म एनरोलमेंट फॉर्म टाइप्स ऑफ डिप्लोमा आपने डिप्लोमा कौन सा किया टेन प्लस टू वाला किया है यानी कि आपने लेटर एंट्री के माध्यम से एडमिशन लिया डायरेक्ट सेकंड ईयर में या आपने टेंथ के बाद उसमें एडमिशन लिया डिप्लोमा आफ्टर टेंथ लिया है ठीक है जो भी लिया हो आप उसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ से डिप्लोमा का रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर कोई भी एक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल कर देंगे नेम ऑफ द टेक्निकल बोर्ड तो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ आपके आएगा यहाँ पर लिस्ट में आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे स्टेट टू विच द कॉलेज बिलोंग्स आपका कॉलेज किस स्टेट में है तो अगर आप उत्तर प्रदेश यूपी से आपने डिप्लोमा किया है तो आप उत्तर प्रदेश लिखेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और नेम ऑफ दी कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे इससे आपकी कॉलेज का नाम भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो भी होगा वो यहाँ पर आएगा ब्रांच कौन सी है आपकी डिप्लोमा की वो आपको सिलेक्ट करनी है ईयर ऑफ पासिंग आपको मार्कशीट मिली है इसके बाद जब आप मंथ ऑफ पासिंग डालेंगे उसके बाद अगला आएगा परसेंटेज सीजीपी आपने डिप्लोमा जो पास किया है या बीटेक के स्टूडेंट है तो बीटेक पास किया है वो आपने कितने परसेंटेज से की है वो तो परसेंटेज आपको यहाँ पर डालना है ठीक है और क्लास यहाँ से पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा परसेंटेज है कि सी जी पी ए है अगर आपका रिजल्ट परसेंटेज में तो आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे सी जी पी ए में तो सीजीपीए में जो भी कुछ होगा वो आगे भर देंगे आप क्लास ऑप्टेंड कौन सी क्लास में पास किया फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन विद ऑनर्स जो भी कुछ है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा है डिप्लोमा के स्टूडेंट फाइनल सेमेस्टर में आप एक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे बीटेक के स्टूडेंट ने जितने भी इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़े हो दो पढ़े हो तीन पढ़े हो वो इलेक्टिव सब्जेक्ट आप यहाँ पर जरूर डालेंगे अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म कोर्स किया है तो शॉर्ट टर्म कोर्स की डिटेल मांग रहा है वो भर देंगे देन ये शॉर्ट टर्म कोर्स नेम ऑफ दी कोर्स और ड्यूरेशन कितने दिन का किया है अगर किया है तो भर देंगे देन यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट क्वालिफाइंग डिग्री अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की मार्कशीट या डिग्री आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक की मार्कशीट फाइनल वाली या बीटेक का डिप्लोमा आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे देन अपना एक रिज्यूम आपको अपलोड करना है अपलोड योर रिज्यूम यहाँ पर अपना रिज्यूम अपलोड कर देंगे अपलोड करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपका स्टेप थ्री कंप्लीट हो जाएगा जी देखिए और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आप यहाँ पर दोनों को अपलोड करने के बाद जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आपका स्टेप थ्री कंप्लीट हो जाएगा अब हम स्टेप फोर पर पहुंचते हैं स्टेप फोर में आपको क्या करना है स्टेप फोर जो है आपका अगेन एनरोलमेंट फॉर्म कंप्लीट हो गया देखिए अब हमें प्रीव्यू एंड कंफर्म में जाना है तो प्रीव्यू एंड कंफर्म वाले ऑप्शन में एनरोलमेंट फॉर्म में इसी में आप देखेंगे आगे जब करेंगे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये आपसे यहाँ पर प्रीफरेंस ऑफ ट्रेनिंग मांगेगा कौन सी ट्रेनिंग आपको करनी है तो यहाँ देखें तो चॉइस ऑफ इस्टाब्लिशमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन ऑटोमोबाइल

डिस्ट्रिक्ट uh, करना है और चॉइस थ्री भी इसी तरह से यानी आपसे स्टेट और स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट सॉरी डिस्ट्रिक्ट या सिटी किससे आप करना चाहते हैं वो पूछेगा चॉइस ऑफ स्टेट टू वर्क आफ्टर ट्रेनिंग जब आपकी एक साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप काम करना कहां पर चाहेंगे अगर आपको जॉब ऑफर की जाती है तो आप किस स्टेट में और किस सिटी में करना चाहेंगे उसके लिए भी आपसे एक चॉइस चॉइस दो चौईस मांगी हुई है तो कोई भी दो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं मान लीजिए कोई स्टूडेंट उत्तर प्रदेश में जॉब करना चाहता है कोई स्टूडेंट हरियाणा में जॉब करना चाहता है तो आप यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद का है ठीक है उसके बाद आप डिक्लेरेशन आएगा आपका डिक्लेरेशन को आप देखेंगे और डिक्लेरेशन में आप यहां पर चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू कर देंगे जैसे ही सेव और प्रीव्यू करेंगे तो आपका जो अगला स्टेप आएगा इसमें स्टेप इसी के बाद उसमें देखेंगे तो आपके पास ये आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर खुल जाएगी देखिए एनरोलमेंट फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया तीसरा स्टेप जो ग्रीन हो गया अब फोर्थ स्टेप में प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन आपसे दिखाएगा यानी आपने तीन स्टेप में जो भी कुछ भरा है वो सारा यहाँ पर आपको दिखेगा आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बैंक की डिटेल ठीक है बैंक की डिटेल भी दिखेगी आपकी और इलेक्टिव सब्जेक्ट जो भी आपने भरा है ठीक है सब कुछ दिखेगा आपकी परसेंटेज सब कुछ दिखने के बाद आप सब कुछ सही है अगर कोई गलती नहीं है देखिए चॉइस ऑफ स्टेब्लिशमेंट फील्ड ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट ठीक है वो सब आपने यहाँ पर भर दिया और यहाँ आप उसे सबमिट कर देंगे जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा सबमिट होने के बाद आइए मैसेज आपके पास डिस्प्ले होगा स्टूडेंट एनरोलमेंट हैज बीन क्रिएटेड ठीक है यानी आपका जो इनफॉर्म फॉर्म है है वो सक्सेसफुली एनरोलमेंट हो गया है. फिर आप ओके OK ओके पे पे सबमिट सबमिट कर देंगे OK पे करने के सामने डिस्प्ले होगा जिसमें स्टूडेंट प्लीज फाइंड डिटेल्स ऑफ योर एनरोलमेंट एंड लॉग इन बिलो डू नॉट दैट न लॉग इन टू द पोर्टल यूजिंग ई मेल आई डी एंड पासवर्ड तो जो भी ई मेल आई डी और पासवर्ड आप बनाएंगे उस ई मेल आई डी पासवर्ड से आप उसमें लॉग इन कर पाएंगे ठीक है और इसी को आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो इसी में आपके पास जो है प्रिंट करने का ऑप्शन भी आएगा यहाँ प्रिंट पर प्रेस करेंगे तो आप इसे प्रिंट कर पाएंगे ठीक है तो आपका रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा इस तरह का फॉर्म होगा नेशनल अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग स्कीम नेट्स का स्टूडेंट एनरोलमेंट हैजिन क्रिएटेड सक्सेसफुली इस तरह का आपके पास एक फॉर्म पूरा बन के आएगा जैसे इसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखा होगा पूरा डिटेल लिखा होगा ये आपके पास एक पीडीएफ बन के आएगा सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर योर पेशेंस जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेलाइन को क्लिक कर लीजिए धन्यवाद